वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 8 अप्रैल 2020 और 8 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच के किस आईएफएस अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं, उनको रवीश कुमार की जगह दी है, ठीक है। और रवीश कुमार जी को क्रोशिया का राजदूत बनाया गया है, ठीक है। अनुराग श्रीवास्तव 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं, ठीक है। वे इससे पहले इथोपिया और अफ्रीकन यूनियन के राजदूत थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, अनुराग श्रीवास्तव इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएं। और आज के टारगेट की बात करें तो आज का टारगेट है 1200 प्लस लाइक्स। आई होप सभी लोग टारगेट अचीव करेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश में एक बाघिन नदिया में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका कृषि विभाग की राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवा प्रयोगशाला के मुताबिक ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर में रखी गई एक मादा बाघिन में कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, और बाघ में कोरोना वायरस संक्रमित होने का यह फर्स्ट केस है, पहला मामला है। और अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इससे पहले बेल्जियम में एक बिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया था, और बेल्जियम के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस मामले की पुष्टि की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की साइड, जो है कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दो सालों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री कौन, प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा कि सर्वसम्मति के लिए निर्णय के बाद सांसद निधि की तकरीबन पूरी रकम 7900 करोड़ रुपीज़ है और भारत की संचित निधि में जमा होगी, ठीक है। और हर संसद सदस्य को सांसद निधि के रूप में हर साल 5 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, जो वह अपने क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में खर्च करता है। सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र की ज़रूरतों के आधार पर जिला प्रशासन को कुछ कार्य करने का सुझाव भी देना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दो सालों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री कौन, महमूद जिब्रिल का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हाल ही में निधन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है लीबिया। लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री कौन, महमूद जिब्रिल का 68 वर्ष की आयु में मिस्र की राजधानी कोहिरा में निधन हो गया, ठीक है। और रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि वह कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित थे। वह लीबिया में गृह युद्ध के दौरान 2011 में 7 महीनों तक अंतरिम प्रधानमंत्री भी रहे थे, और संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लीबिया में शरणार्थियों की संख्या 7 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया को यह बताया कि कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण विस्थापित लोगों एवं शरणार्थियों के लिए चिंताजनक और विनाशकारी भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लीबिया इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अभी मतलब चर्चा में रही हैं और निधन हुआ है, तो इसलिए पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है आप लोगों के लिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आयुष्मान भारत योजना।
सरकार द्वारा की गई यह घोषणा कि भाई आयुष्मान भारत योजना के 50 करोड़ लाभार्थियों को निर्दिष्ट निजी अस्पतालों में मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी, ठीक है। और सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य परीक्षण और उपचार सुविधाओं की आपूर्ति में वृद्धि करना है और ICMR दिशा निर्देशों के अनुसार आयुष्मान योजना के माध्यम से आम लोगों की निजी क्षेत्र में पहुंच में वृद्धि करना है, ठीक है। और योजना के लाभार्थियों को मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का यह निर्णय COVID-19 महामारी के प्रति भारत के प्रयासों को और मजबूत करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, आयुष्मान भारत योजना। चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या कहता है। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध किस नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करुणा इसका करेक्ट आंसर है। इस पहल का शुभारंभ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS के साथ साथ केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी संघ द्वारा किया गया है, ठीक है। करुणा एक प्रकार का विशेष सहयोगी मंच है जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सिविल सेवक, उद्योगपति, गैर सरकारी संगठनों के पेशेवर और IT पेशेवर एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है। इस पहल के माध्यम से COVID-19 से निपटने के लिए सरकार के 11 सशक्त समूहों के प्रयासों को सहायता देने के लिए जिला स्तर तक फैले अधिकारी और विशेषज्ञों के नेटवर्क का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करुणा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। 7th क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है। भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जीवन वेंटिलेटर को कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। और अभी देश में उपलब्ध वेंटिलेटर की अधिकतम संख्या तकरीबन 57,000 है। यदि कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलता रहा तो स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है, जैसा कि आप सभी को पता है। और हमें देश में 15 मई तक लगभग 110,000 से 220,000 तक की वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जीवन वेंटिलेटर की कीमत बिना कंप्रेसर के लगभग 1,00,000 रुपए होगी। और देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे प्रसार के कारण वेंटिलेटर की भारी कमी महसूस की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जीवन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, जो भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। कहाँ, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री ने जिसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कॉमेडियन कौन, बुलेट प्रकाश का हाल फिलहाल में निधन हो गया। वो सिर्फ 44 साल के थे, उनकी आयु की बात करें 44 ईयर्स उनकी एज थी, ठीक है। और वे लीवर की समस्या से जूझ रहे थे। बुलेट प्रकाश ने करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में कार्य किया और कन्नड़ सिनेमा में बुलेट न सिर्फ अपनी दमदार कॉमेडी के लिए बल्कि शानदार बॉडी लैंग्वेज के लिए भी काफ़ी पसंद किए जाते थे, ठीक है। और अपने हर अंदाज से बुलेट प्रकाश दर्शकों का दिल जीत ही लेते थे, ठीक है। और यह भी बताया जा रहा है कि बुलेट प्रकाश ने 5 महीने के भीतर अपना 35 किलो वजन घटाया था, जिसकी वजह से इन दिनों उन्हें स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या बताता है। किस देश के पूर्व टेस्ट स्पिनर स्टीफन ओफिकी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट स्पिनर कौन, स्टीफन ओकीफी ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नौ टेस्ट मैच खेले, ठीक है, जिनमें उन्होंने 35 विकेट लिए थे। और उन्होंने भारत के खिलाफ साल 2017 में पुणे में 12 विकेट चटकाए थे, ठीक है। और उन्होंने पहले श्रेणी क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न जो कि है 10th क्वेश्चन क्या कहता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में चिकित्सा कर्मियों के इस्तेमाल में आने वाले निजी सुरक्षा उपकरणों की 1.7 लाख किट किस देश से भारत को हाल ही में मिल गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चीन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भैया चीन से भारत को कोरोना संकट से निपटने के लिए सहायता के रूप में किट दी गई है
और मंत्रालय के अनुसार बताया जा रहा है देश में निर्मित 20,000 PPE की आपूर्ति होने के साथ ही अब अस्पतालों को 1.90 लाख PPE की आपूर्ति कर दी जाएगी। देश में PPE की मौजूदा उपलब्धता लगभग अभी कितनी है, 3,87,473 हो गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से अब तक 2.94 लाख PPE की आपूर्ति कर दी गई है। इसके अलावा देश में ही बने 2 लाख N95 मास्क भी अस्पतालों को मुहैया कराए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चीन बन जाता है। कल के प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन था हांगझोउ 2022 एशियाई खेलों के लिए जारी शुभंकर कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है द स्मार्ट ट्रिपल। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उम्मीद करती हूँ आज भी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आज के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कहता है, किस शहर में 14 बड़ी निर्माण परियोजना स्थलों पर स्मॉग गन उपकरण लगाए गए हैं। तो ये ऑप्शन है चार, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और आज का टारगेट बिल्कुल मत भूल जाइएगा, आज का टारगेट क्या है, 1200 प्लस लाइक्स। आई होप सभी लाइक को ये टारगेट को अचीव कराएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप वीडियो को ज़रूर से अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप SSC मेकर को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।